नमस्ते दोस्तों, मैं मोरे वर्षा, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम हबीब तनवीर का आगरा बाजार ये नाटक देखने वाले हैं। वैसे इस नाटक में दो अंक हैं, नाटक बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैं इस नाटक पर दो वीडियो डालने वाली हूँ। आज हम आगरा बाजार के नाटक में आया हुआ पहला अंक, यानी दो अंक इस नाटक में है, तो पहले अंक पर आज इस वीडियो में बात करेंगे और अगले वीडियो में दूसरे अंक पर बात करेंगे। ठीक है, बड़ा है इसलिए मैंने इसके दो भाग बनाए हैं, एक पहला अंक और दूसरा अंक। आगरा बाजार ये नाटक 1954 में इसका पहला संस्करण, 70 में दूसरा और 90 में तीसरा संस्करण हुआ। इतना प्रसिद्ध और व्यंग्य प्रधान ये नाटक है और आगरे के बाजार पर ये पूरा वर्णन, एक ही बाजार का, जैसे अंधेर नगरी में एक बाजार का वर्णन है, उसी तरह आगरा बाजार में भी एक बाजार का ही वर्णन है और तरह तरह के लोग वहाँ पर आते हैं, किस तरह उस बाजार में आकर बातें करते हैं और क्या क्या हालत है वहाँ की, इसके बारे में हमें नाटक में देखने को मिलता है। तो चलिए, इस नाटक में अनगिनत पात्र आए हुए हैं और पहले अंक में, यानी आगरा बाजार के पहले अंक में जो पात्र आए हैं उनके मैं नाम बता देती हूँ। अगर दूसरे कुछ इसमें पात्र जुड़ जाते हैं तो मैं दूसरे अंक में आपको बोल दूंगी। ठीक है, फकीर है, लड्डू वाला है, तरबूज वाला है, बर्फ़ वाला, ककड़ी वाला, कनमेलिया, पान वाला, मदारी, बर्तन वाला, शोहदा, हमजोली, शायर, तज किरानवीस है जो मौलाना साहब है उनका नाम है, ग्राहक है, बेंजीर है, लड़का है, देहाती लड़का है, और करीमन और चमेली जो किन्नर है ये भी है, दर्जी है वहाँ का, नवासी जो नज़ीर की एक छोटी सी नाती है, और भोलाराम का पंसारी है, लाला जी है, तमारखीन है। ठीक है, इतने सारे इसमें पात्र हैं, यानी बाजार में अनगिनत पात्र हैं। उन पात्रों का एक एक करके इसमें जैसे चरित्र उभर कर आता है, जो लड्डू वाला लड्डू बिकता है, तरबूज वाला तरबूज बेच रहा है, बर्फ़ वाला है, ककड़ी वाला ककड़ी बेच रहा है, लेकिन इस स्थिति को हमें नाटक में देखना है। इसका सार रूप में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और इस नाटक में क्या क्या है, वैसे ये फारसी उर्दू शब्द में मिश्रित नाटक की जो भाषा है, हिंदी नहीं है, कुछ उर्दू के कुछ जो फारसी के शब्द इसमें आते हैं। ठीक है, और इस नाटक का जो विषय है, इसमें बेरोजगारी का वर्णन है, शायरों के जीवन का वर्णन है, साहित्य प्रकाशन और बिक्री के प्रसंग पर उन्होंने व्यंग्य किया है, गरीबी लाचारी और मजबूरी का चित्रण है, और व्यापारियों के दर्द की ये कथा है, हम ऐसे कह सकते। आगरा शहर के बाजार का अत्यंत सूक्ष्म रीति से लेखक ने वर्णन किया है। पुलिस की लापरवाही है, गैर वर्तणूक है, और फकीरों के उपदेश पर गीत भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस नाटक की कथा वस्तु को देखते हैं। नाटक का जो पहला अंक है, मंच पर दो फकीर नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली एक कविता लेकर प्रवेश करते हैं। एक के हाथ में भिक्षा पत्र और जपने की माला है, दूसरे के हाथ में एक डंडा और लोहे के कड़े हैं। कविता गाते हुए ताल पर कड़े बजाते हैं। फकीर कहता है, यानी उसकी गीतों में क्या सार है वह मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फकीर कहता है, वाणी पर किसी का वश नहीं चलता, तबीयत खराब होती है और मनुष्य जो रात दिन सुख की चिंता करता है, रात दिन किस तरह मुँह की जबान हमेशा बंद रहती है। आगरे में जन साधारण का रोजगार बंद है, आगरे में कारखानों के वजह से मुश्किलें पड़ी हैं, रोजगार नहीं बने और रोजगार की समस्या है, और ये रोज की समस्या है। किस किस का दुख बताए और रोए, एक बार बंद सभी बाजार में उधार बंद हो चुका है, दुकान में दुकानदार जैसे चोर बैठे हैं, लाचारी बेबसी यहाँ दिखने को मिलती है। आगरे का हाल ऐसा हुआ है, बाग पर न माली है न बागबा है, सिर्फ जब कांटेदार झाड़ियाँ और वहाँ के बाग आए हुए दिखाई दे रहे हैं। आगरे का आशिक कहो या साधारण व्यक्ति, मुल्ला कहो या फकीर कहो या शायर कहो या नज़ीर कहो, इन सब के वास्ते उसने लिखे पांच चार यहाँ जो एक मजाक भरे शेर, ऐसा वो फकीर गीतों में कहता है। किसने लिखे ये हमें नाटक में देखना है।
अब नज्म पढ़ते हुए स्टेज के बाहर वह चले जाते हैं। साथ ही एक पर्दा तेजी से उड़ता है और नाटक की शुरुआत होती है। पूरा बाजार का वातावरण है, लड्डू वाला, ककड़ी वाला, दूसरे तरफ फेरी वाले आवाज लगा रहे हैं। पृष्ठभूमि से स्त्री की आवाज गाने की आ रही है, तबले के साथ वो एक गजल गा रही है। रंग वाली की दुकान बंद है, किताब वाले के यहाँ दो ग्राहक दिख रहे हैं। जब ककड़ी वाला यहाँ आकर ककड़ी बेचने की कोशिश करता है तो ग्राहक किताब की दुकान से निकल कर पान वाले के यहाँ चला जाता है और किताब वाला अपना हिसाब किताब करने में लग जाता है। सब लोग अपने माल को बेचने के लिए जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं और अपने मालों की बिक्री के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सब लोग अपने माल की बेचने के लिए जैसे आवाजें लग रहे हैं और अपनी माल की तारीफ भी कर रहे हैं, जिसमें लड्डू वाला, तरबूज वाला, ककड़ी वाला, बर्फ वाला, कनमेलिया, पान वाला आदि है। तभी ककड़ी वाला लड्डू वाले से कहता है कि तू फिर मेरी जगह पर बैठ गया। लड्डू वाला कहता है, तभी तो मेरे लड्डू अभी तक एक भी नहीं बिका। फिर आवाज लगा कर कहता है, सुबह से 200 लड्डू बिक चुके हैं और 2 घड़ी बाद नहीं मिलेंगे, लेना है तो अभी ले लो। यानी वो एक बेचने की वह झूठ बोलकर भी बेचना चाहता, लेकिन खरीदने के लिए कोई आ रहा ही नहीं। और ककड़ी वाला कहे, तू झूठ बोल रहा है, सवेरे से 200 लड्डू बेचे हैं ऐसा भी बोल रहा है, मेरी जगह बैठा है और झूठ भी बोलता है। लड्डू वाला कहता है कि फिर क्या करूँ, 10 दिन से एक भी लड्डू नहीं बेचा है। वह जो व्यापार की बात है और व्यापार करने के लिए झूठ मूठ तो बोलना ही पड़ता है, यहाँ बातों के ही पैसे मिलते हैं। और ककड़ी वाला फिर उसे उठने के लिए कहता है, लड्डू वाला नहीं मानता, दोनों में बहस होती है, फिर झगड़ा शुरू होता है। लड्डू वाला कहता है कि काली चीज को देख के ग्राहक बिदक जाते हैं और हट जाओ ऐसे। ककड़ी वाला कहता है, ये अपने बाप की है क्या जो सड़क है, या मजाक करता होगा, और तुम मेरे साथ जिस तरह मजाक कर रहे हो तो अपने बाप के साथ भी करता होगा। फिर ककड़ी वाला बेचने के लिए आवाज़ लगाता है। अब दमड़ी की चार चार रेशम की तरह मुलायम, गन्ने की सी मीठी, ताज़ा ककड़ी है, ताज़ा ककड़ी, ऐसा कहते हुए वो अपनी ककड़ियों को बेचने के लिए लोगों को आवाज़ दे रहा है। कुछ लोग प्रवेश करते हैं, ककड़ी वाला आवाज़ लगाता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है, उनका रास्ता रुककर खड़ा हो जाता है। इतने में एक मदारी दाई तरफ से एक बंदर लेकर आता है और अपने तमाशे का रंग जमाने लगता है वही बाजार में। फेरी वाले, बच्चे, लड़के, सब रास्ता चलने वाले सब वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं और शोर थम जाता है। मदारी बंदर को नचाते हुए कहता है, कहता है कि जरा आगरे शहर का जो नाच दिखा दो। बच्चों को तालियां बजाने को कहता है। फिर मदारी जो जो पूछता है बंदर उसी तरह अपनी नकल करता है, जैसे होली में मृदंग कैसे बजाते हैं तो ऐसा पूछने पर वो मृदंग बजाने लगता है। बरसात में क्या होता है तो वो फिसल कर गिरने की कोशिश करता है। पतंग उड़ाने के लिए ठंडी लगी तो वो ऐसे हर तरह की वो नकल करता है। और मदारी कहता है, हिंदी को राम की कसम और मुसलमान को कुरान की कसम, ये उस नाटक का संवाद है। हिंदी को राम की कसम और मुसलमान को कुरान की कसम, सब लोग पीछे हट जाओ, फिरंगी हिंदुस्तान में कैसे आए। बंदर भीख मांगने की नकल करता है, हमारे जैसी हालत है, बंदर पेट बजाता है, कल कैसी हालत हो जाएगी, बंदर जो गिर पड़ता है। अब पैसे मांगने को जैसे ही वह लोगों के पास जाता है बंदर, तो लोग वहां से खिसक जाते हैं। फिर बाजार का वातावरण, सब अपने अपने माल की तरफ आवाज लगाते हुए चले जाते हैं। सब लोग जाने के कारण मदारी नाराज होता है, फिर ककड़ी वाले के हाथ से टोकरा लेकर छीन कर फेंक देता है। सब ककड़ी वाला की ककड़ियाँ सब बिखर जाती हैं और कहता है, बड़ा आया ककड़ी बेचने वाला, एक लकड़ी दूंगा तुम्हारी ककड़ी विकड़ी जो धरी के धरी रह जाएगी। यानी गुस्सा हो जाता है और ककड़ी दिखाकर सब लोगों को भगा दिया साले ने, ऐसा मदारी कहता है। और लड्डू वाला, तरबूज वाला उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, ऐसे क्यों हमारे लोगों को भगा दिया। ककड़ी वाला कहता है कि मैं तो अपनी ककड़ी बेच रहा था, मैं कहाँ भगाऊ। तो लड्डू वाला कहता है कि अपनी कमाई तूने खुद नहीं की, उसमें छेद कर दिया है। आजकल लोग पैसे का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, वह लोगों को क्यों भगाएगा। तरबूज वाला कहता है, भगवान झूठ न बुलाए, 10 दिन से एक भी तरबूज नहीं बेचा। मदारी कहता है, अभी वह आदमी हमको पैसे दे रहा था, इसने उसे ककड़ी दिखाई और वह वहां से भाग गया।
वह कहता है कि ये कहाँ से उसे भागेगा, आजकल लोग पैसा देखते ही भाग जाते हैं, यानी पैसा मांगते ही, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो तुम्हारा बंदर नाच देखकर वो पैसे कहाँ से देंगे, ऐसा वो कहता है। यानी उन सब में लड्डू वाले के, तरबूज वाले की, उस मदारी के साथ वह बहस छिड़ जाती है, ये रास्ता तुम्हारे बाप का है क्या, इस तरह वो बातें करते हैं। ककड़ी वाला कहता है कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं तो तुम्हारा ये बंदर नाच और देखकर कौन पैसा देगा। फिर सब लोग मिलकर मदारी को वहाँ से निकाल जाने को निकाल देते हैं, निकाल जाने को कहते हैं। मदारी वो कहते हो जाता है कि क्या शहर आया है भाई, और फकीर फिर से गाते हुए आता है और उस गाने में वो कहता है कि पूछा है किसी ने यहाँ चांद सूरज किसने बनाए हैं। फिर फकीर ने कहा हम तो चांद, हमें तो चांद नज़र ही नहीं आता, न सूरज नज़र आता है, नज़र आती है तो सिर्फ रोटियाँ, रोटी पेट में न हो तो कुछ भी, जो कुछ भी नज़र नहीं आता, और इच्छा भी नहीं होती कहीं वो देखे कि बाग हो या कहीं चमन हो, तो कोई कुछ नहीं, हमें जो कुछ नज़र आता है तो वो रोटी। खुदा का नाम लेने के लिए भी हमारे पास समय नहीं, चाहकर भी हम खुदा का नाम, यानी जिसके पेट खाली हो, जिसके पेट में भूख लगी हो, वो कहाँ से भगवान का नाम। और रोटी ही ऐसा है कि जब भगवान की भी याद दिलाती कि हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो इस तरह यानी एक रोटी ऐसी है, यानी खाना ऐसा है, अगर व्यक्ति भूखा है तो उसको समाज कार्य की या किसी और के बारे में सोचने की नौबत ही नहीं आती। इसीलिए रोटी और खाना ये मिलना चाहिए, रोटी के वास्ते ही सब लोगों के लंबे बाल रोटी के लिए ही बांधे, कोई हर रुमाल रोटी के वास्ते, सब विचार आचार रोटी कमाल है, रोटी के लिए सब रूप दिखाती है, रोटी ही भगवान की भी याद दिलाती है। ऐसे उन्होंने, इस फकीर ने अपने गीत के माध्यम से वर्णन किया है रोटी का। अब रेवड़ी वाला कह रहा है कि बाबू लेते जाना घर, खाना चार मिलकर गुलाबी रेवड़ियाँ। अब बीच में कनमेलिया भी आवाज़ लगाता है और वो कहते हैं एक में दो काम, दांत कुरेदो और कान का मेल भी निकालो। इस तरह वह अपने कनमेले का वर्णन करता है। चन्ने वाला आवाज देता है कि चन्ना चोर गरम और गर्मा गर्म, आगरे का चन्ना है बड़ा गुलदस्ता, और हर तरह से वो अपने चन्ने को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ककड़ी वाला भी अपनी बात बोलता है, लड्डू वाला भी कहता था, और ककड़ी वाला कहते कि मुझे एक बात अभी अभी सूझी है। तो लड्डू वाला कहते क्या आत्महत्या की सूझे, तो कहते कि आत्महत्या तो मूर्ख लोग करते हैं और मुझे आत्महत्या की बात नहीं सूझी, इस ज्ञानी संसार में बहुत सारे रास्ते खुले हैं। ये संवाद है ना? उस नाटक में वो कहता है ककड़ी वाला कि आत्महत्या तो मूर्ख लोग करते हैं, इस ज्ञानी संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं, कौन सी बात सूझी है वो कहता है। और इस बात पर वह बहुत सारी बातें भी कहता है, जो सोच नहीं सकते वे समझ भी नहीं सकते। ककड़ी वाला बहुत कुछ बताता है लेकिन क्या सूझा ये नहीं बताता। फिर तरबूज वाला लड्डू वाला गुस्से में आ जाता है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा इतना बढ़ता है, दोनों बहस करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, और वहाँ की रेवड़ी वाला ककड़ी सब झगड़े के कारण लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उन लोगों में एक गहमागहमी होती है। और उस वक्त बाजार में जो दूसरे लोग हैं उस मौके का फायदा उठाते हैं, रेवड़ियाँ ककड़ी लड्डू सब लूटना शुरू कर देते हैं। अब झगड़ा जब बढ़ता है तो कुम्हार के यहाँ से एक दो बर्तन भी टूट जाते हैं, लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, फकीर गाते हुए अंदर जाते हैं। जिस पर वह लाचारी गरीबी की जो नौबत आती है वही जानता है कि अपनी जान की परवाह भी नहीं कर सकता। एक हड्डी के पीछे जिस तरह अनेक कुत्ते लगते हैं, उसी तरह गरीबी अगर लाचारी आ गई तो एक रोटी के पीछे भी बहुत सारे आदमी भागेंगे। इस तरह का वो सार है उस गीतों में। और वो कहता है कि आज आदमी ही आदमी को खा रहा है, पैसा ही भारी हो गया है, रोटी से भरी थाली पर हर मनुष्य आ जाता है। गरीबी के कारण कितना भी अच्छा आदमी हो वह बुरे कर्म करता है, कोई भी हो उसे सब गधा कहने लगते हैं, और इसीलिए वही जान सकता है जिस पर आ गुजरती है उसकी हालत वही बिगाड़ देती है।
झगड़ा समाप्त होता है, बर्तन वाला कहता है कि मैंने तुम लोगों को समझाया था और एक दूसरे पर बिगड़ गई, अभी पहले तो ये मंदी और कुछ भी नहीं बेचा, अभी तक ऊपर से धंधे का टोटा हुआ, बर्तन वाले की दो ठेलियां फोड़ दी तुम लोगों ने। अब ककड़ी वाला कहता है कि तुम्हारे पास तो और होगी, मेरा तो दिवाला निकल गया, अब जितनी भी मैं ककड़ियाँ लेकर आया था सब उधार की थी, पहले ही बारिश के कारण ककड़ियाँ बर्बाद हो गई थी, आज चार आने का उधार लेकर आ गया और इसमें से आधा साफ हो गया। अब लड्डू वाला कहता है तुम्हारे वजह से ही झगड़ा शुरू हो गया। तरबूज वाला कहते हैं कि अभी उसे छेड़ना बंद करो, नहीं तो हमारे पास जो कुछ अभी शेष है वही भी चला जाएगा, और उसे चुप रहने के लिए कहता है तरबूज वाला। फिर शोदे यानी एक शोदा वहां से गुजरता है, एक नाम है लड़के का, एक व्यक्ति का बोल सकते हैं हम, वहां से गुजरता है। ककड़ी वाला उसे मियाँ मियाँ कहकर रोक देता है और पूछता है कि आप शायरी करते हैं? शोदा कहते हैं कि अभी तक तो नहीं की। शोदा कहते हैं कि किस पागल के बीच में मैं पड़ा, और कहते हैं कि मुझे ककड़ी वकड़ी लेना है, और वो शायर हमजोली उसको साथ लेकर चला जाता है। अब ककड़ी वाला जो शायर आता है ककड़ी वाले के पास, शायर को भी वो पूछता है कि क्या आप शायरी करते हैं, और ककड़ी वाला फिर उसको कहता है कि आप मेरे इस ककड़ी पर एक दो शायरी कर दीजिए या शेर कर दीजिए, तो मेरी ककड़ी बेचेगी तो मैं सारी ज़िंदगी भर आपको दुआएं दूंगा अगर आप मेरी ककड़ी पर शायरी करवा दोगे तो। सुबह से शाम तक फेरी लगाता हूँ लेकिन कई हफ्ते हुए एक भी बिक्री नहीं। यानी हालत किस तरह है इस नाटक में आप देख सकते हो कि 15-15 दिन से लोगों का माल ही नहीं बिका है, और इस वजह से लोग परेशान हैं, खाने के लाले पड़ चुके हैं उन्होंने, और भूख के कारण भी तड़प रहे हैं। इस तरह की हालत है, एक व्यंग्यात्मक है, एक स्पष्ट भाषा में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन नाटककार ने इनके संवादों के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि इनका माल नहीं बिका तो ये घर पर लेकर क्या जाएंगे, और सब परिवार भूखे ही उनको रहना पड़ेगा, और भूख के कारण व्यक्ति ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, इसलिए वो कहता है और शायरी करने की बिनती उस शायर से ककड़ी वाला कर रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए आपकी ककड़ी वकड़ी, मैं नहीं, और हंसने लगता है, मेरी क्या हकीकत है, मैं कहाँ से शायरी करूँगा, तुम कहो उस्ताद से वह लिखवा देंगे तुम्हारे लिए। हमजोली कहता है कि क्या बात है, शायर कहता है कि इन्होंने कहा है कि हमारे ककड़ी पर कुछ शेर या शायरी करवा दो, तो वो दोनों हंसते रहते हैं, हंसते हंसते आगे चले जाते हैं। फिर वहाँ से वो गवार कहते हैं उस व्यक्ति को, बहुत सारे ने ये उस्ताद का नाम बताया और कहा तो मैं वहाँ आपको पहुँचा दूँ। ये शायर कहता है कि मैं आपकी बात उनसे करवाता हूँ, और जिस आदमी के मस्तिष्क में ये बात आ सकती है कि माल पर शायरी करनी चाहिए, तो वो गवार कहाँ से हो गया, ऐसा भी व्यंग्य किया गया है। अब उस्ताद के दरबार तक पहुंचने का रास्ता भी बताएंगा, ऐसा वो कहते हैं। हमजली तैयार होते हैं, उस्ताद ने चाहा तो कहीं जर्रे का सूरज बना दे, और ककड़ी वालों को लगता है ये मजाक कर रहे हैं। शायर कहता है कि हमारे बस का ये नहीं है, कहकर हंसते हुए किताब वाले की दुकान की तरफ बढ़ जाते हैं। बीच में तरबूज वाला रोक कर, तरबूज ठंडा है तरबूज ले लो, तरबूज कलेजी की ठंडक, आंखों की तेरी गर्मी की जान, जिगर की प्यास बुझाने वाला, ऐसा वो बहुत सारी तारीफ करता है अपनी तरबूज की और तरबूज लेने की। वो कहते हैं कि तुम्हारे तरबूज तो आप बेचने वाले या बिकने वाले नहीं है भैया, तुम भी अपने तरबूज के लिए किसी मिर्जा या मीर साहब से कहकर कुछ शेर लिखवाओ, फिर हम खरीद लेंगे तुम्हारा तरबूज, और हंसकर आगे बढ़ जाते हैं। तरबूज वाला और लड्डू वाला फिर उस ककड़ी वालों का मजाक उड़ाते हैं। शायर किताब वाले की दुकान पर जाते हैं, वहाँ उनकी शायरी और मीन साहब पर चर्चा होती है। मीन साहब की उम्र 80 के ऊपर हो गई है। हमजोला आगे कहता है उन्होंने क्या क्या नहीं देखा, शहर का अजीबोगरीब बेवफाई देखी, घर छोड़ा, वतन छोड़ा, दिल्ली छोड़ी, एक जमाने की बात है, और बहुत सारे हमले देखे, अफगानों, राजपूतों, जाटों, मराठों के युद्ध देखे। अब लखनऊ में है, फिरंगियों यानी अंग्रेजों की तबाही देख रहे हैं। किताब वाला इस बात पर कहता है कि सच कहा भाई तूने, आज जमाना ही ऐसा है, वातावरण बदल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि एक कवि एक शेर के बराबर है, जिस पर सैकड़ों कुत्ते बिल्लियों ने हमला कर दिया है, उसे जख्म दिए हैं। जब वह जमीन पर पड़ा लाचार हो गया तो
आसमान से चील गिद्ध भी जमा हो गए और चोंच मार मार कर उसे नोच कर खा रहे थे। वह शेर है, उसे दर्द हो रही है। शायर किताबवाली की तारीफ करता है। शायर एक किताब छपवाना चाहता है, किताबवाला तैयार होता है, सिर्फ शायर के शेर छापता है, फिर मसूदा भेजने के लिए भी कहता है। अब फिर फकीर आते हैं और गाते हुए आते हैं। अब फकीर ने जो गीत गाया है उसमें उन्होंने कहा है कि खुशामत करना है तो संत जन की करो, जो औलिया और रब की करो वह राजी हो जाता है। जो खुशामत करते हैं वे अपनी ज़िंदगी में ऐश करते हैं, और जो नहीं करते वे हमेशा मोहताज रहते हैं। खुशामत से मक्का मुल्क और तासीर, अगर भला हो तो भले की खुशामत कीजिए, अगर बुरा हो तो बुरे की खुशामत कीजिए। पाक नापाक सड़े कुत्ते बिल्ली गधे की भी खुशामत करो, खुशामत से खुदा राजी होता है, फकीर गाते हुए जाता है। अब किताब वाला शायर के बारे में, बाजार में बैठे हुए एक किताब वाले की दुकान पर और शायर के साथ वो दोनों झगड़े के बारे में बात करते हैं। लूटमार हो गई, गनीमत समझिए कि अभी दुनिया में किताबों की मांग नहीं रही, वरना मेरी किताबें लूट जाती। ककड़ी वाले ने ककड़ी पर शेर कहने के लिए बोला, क्या दुनिया का ठेका ले रखा है शायर ने, ऐसा शायर कहता है और शायरी गजल के बारे में वर्णन करने लगता है। अलग अलग शैलियों का या मसनी जो शैली है उसका भी वर्णन करते हैं ककड़ी वाला। एक वृत्तांत लेख को भी कुछ सुनने के लिए विनती करता है, पर वह किताब वाले के दुकान पर से आगे जाता है। किताब वाला सलाम करता है और उसे बैठने के लिए भी जगह देता है। शायर कहता है, गरीब सुबह से आपकी राह तक रहा था, आप दो चार शेर उसकी ककड़ी पर लिखवाए होते तो अच्छा होता, आपने तो उसकी बात का जवाब देना भी सही नहीं समझा। अब उसका नाम क्या है, देखो तज़किरान वास, यानी तज़किरान वास एक मौलवी साहब है। वह कहता है कि ऐसे वैसे से बात करके अपनी जुबान में खराब नहीं कर सकता। और किताब वाला कहता है, आप भी मीर साहब के कदमों पर चल रहे, सुना है लखनऊ से सफर करते समय मीर साहब एक लखनऊ के साथ एक ही इक्के पर बैठकर आ रहे थे, रास्ते भर खामोश रहे ताकि जुबान न बिगड़ जाए। तज़किरान वास कहता है, यही आगे जाकर शेरी अदब को जिंदा रखेगी, वरना बर्बादी की कसर कौन सी बाकी है। दिल्ली में जिस किस्म की जबान लोग बोल रहे हैं मैं तो कान बंद कर देता हूँ। अब ये जो मौली है अपना जो तर्तुमा नाम का वो किताब मांगता है, किताब वाला रफ़ुद्दीन का है ऐसा कहता है। मौलवी अब्दुल कादिर की चाहिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ऐसा भी कहता है। फिर ज़माने की बातें करते हैं, चर्चा होती है, तरक्की का दौर है, ज़माना तेज़ी से बदल रहा है और मशीनें आ गई है, जगह जगह छापखाने खुल रहे हैं। और सुनने में आया है कि कलकत्ते में एक फिरंगी संस्कृत फारसी उर्दू और हिंदुस्तानी जबानों में बड़ी मेहनत यानी महारत हासिल कर रखी है उसने। उसने एक मदरसा भी खोला है फोर्ट विलियम कॉलेज का वर्णन, यानी उसके लिए किस तरह वर्णन, फोर्ट विलियम कॉलेज की जब शुरुआत हुई तब का कुछ कथानक इसमें आया है हम कह सकते हैं। और फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत हुई है, वहाँ इस भाषाओं में शिक्षा दी जा रही है। शायर द्वारा कहना कि अब दिल्ली में भी अंग्रेजी जबान की तालीम दी जा रही है, साथ ही रसायन और भौतिक शास्त्र पर भी शिक्षा दी जाएगी। किताब वाले को यह नास्तिकता का दौर लगता है और उसे बदलना है तो धर्मयुद्ध का जो योद्धा है उसकी जरूरत पड़ सकती है। हमजुली कहता है, जमाने को युद्ध की नहीं बल्कि इंसानियत की जरूरत है। ये बात उन्होंने बहुत ही सही कही और उन्होंने कहा कि अभी किसी धर्मयुद्ध के योद्धा की नहीं, अभी इस युग में तो यहाँ पर एक इंसानियत की, इंसान की जरूरत है। अध्ययन अध्यापन का नया सिलसिला शुरू हो रहा है, इंसान भी यही से जन्म लेंगे। वैसे भी सारे जमाने में लूट मार मची हुई है, जिसे देखो वो अपनी बेरोजगारी पर रोना रो रहा है। इन कॉलेजों से कम कुछ लोगों का रोना तो बंद हो जाएगा, कुछ लोगों को रोजगार तो मिल जाएगा, ऐसी बातें वह कहता है हमजोली। अब किताब वाला मौलाना से कहता है, अब आप भी नए रास्ते निकालिए कि जो कृतियां हैं, कुरान की व्याख्या है, पैगंबर की कही हुई बातें हैं, उनकी आलोचना समीक्षा में कुछ नहीं रहा। दिल्ली में छापखाना आ रहा है, बहुत जल्द उर्दू में रिसाले अखबार छपने शुरू हो जाएंगे। वही सोच रहा हूँ कि कुतुब खाना खोलूँ और अखबार का सिलसिला शुरू करूँ।
मौलाना द्वारा कहना कि बहुत बुरा वक्त आया है, जब कल की बात बताता है कि किस तरह वह बेग साहब के साथ बातचीत कर रहे थे, किस तरह आगरा दिल्ली को लालची लोगों ने लूटा है, कोलकाते के नए फिरंगी मदरसे में बैठे हैं। एक दर्दनाक दास्तान सुनाई मौलाना को, जब बेग साहब ने, एक साहब का भतीजा असदुल्लाह की शादी हो गई है, कम उम्र में शेर कहता है वह मेरी भी समझ में नहीं आता, ऐसा कहता है। शायर कहते कि इसमें हैरत की क्या बात है, शेख मोहम्मद इब्राहिम जो को देखिए, 18-20 की उम्र में अकबरे सानी के दरबार में गए थे, सारी दिल्ली में उनकी तूती बोलती है। मौलाना गंभीर हो जाते और कहते कि आप किसी दिल्ली या कहाँ का दरबार, कौन से अकबरे सानी जिसका नाम सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ था, अब वहाँ सब लूटपाट जम गई है, सब उजड़ गया है, लोग अवध और दक्खन की तरफ भाग रहे, दिल्ली शाही कब्रिस्तान में अब कुत्ते और उल्लू बोलते हैं। फिर एक ग्राहक आता है और मुंशी मिर्जा या मेहंदी की जो नादिर नामा मांगता है, तो एक आवाज अंदर से आती है, वो कहता है कि मौली साहब से, गुस्से से मौली साहब को कहती है कि एन दुकान के सामने बैठ जाते हैं आप भी, हर रोज बदबू के नाम पर मेरे नाक में दम आ गया। एक अजनबी राह से चलते चलते ये सुनकर बहुत हंसता है। किताब वाला ग्राहक को नादिरनामा नहीं है कहता है, ग्राहक कहता है कि वो नहीं है तो ठीक है, किस्सा लैला मजनू का दे दो, तो वो कहता है खुसरो का तो खत्म हो गया, हैदरी साहब का है। ग्राहक को दिखाया जाता है, ग्राहक अंदर भीतर चला जाता है और देहात की एक टोली जो बलदेव जी का मेला गाती हुई आती है, अब वो कहती कि दिलबर है, नवेला है, नाच चेला मोतिया चमेली बेला है, भीड़ में अकेला है, शेरी गावाला भी है, अशरफी यानी पैसा ढेला सब कुछ है, एक ने एक खेला है, उसमें रंग रूप है, झमेला है और बलदेव जी का मेला है। इस तरह वो गीत गा रहा है, अर्थात मेले में सब तरह के लोग हैं, कोई नारायण है, कोई नरसिंह है, कोई रावण भी है। टोली गाती हुई निकल जाती है, एक हसीना के पीछे शोदा लगा हुआ है, बेन जी से वह कहता है, जिस तरह श्री रामचंद्र ने लंका को जीता उसी तरह तुमने मेरे दिल को जीता, मैं तो रावण जैसा था, यहाँ की सुंदरियों ने मुझे वश में करके राम बना दिया। बेनजीर इस बात के लिए गवाह मांगती है, दोनों बात करने के बहाने आगे बढ़ते हैं और शायर मौलाना, आजकल आप तज़किरा लिख रहे, ऐसा वो पूछता है मौलाना को। मौलाना कहते कि हाँ, कहाँ तक लिखना हुआ, तो वो पूछते कि गुमराह की मंजिल में वो भटक रहा है। सोज मरहूम के साथ कि जो दोस्ती उन्होंने उसे याद किया है, एक ज़माना था दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में चक्कर लगाते थे, और सोज मरहूम के अलावा मीर साहब, खाजा मीर दर्द, हजर सौदा, मीर हसन, हजरत फुगा, इन सब के साथ उठना बैठना होता था। ये हजरत की मृत्यु के बाद महफिल ही उजड़ गई। मौलाना फिर कहने लगते, बीच में किताब वाला एक लड़के से पान मंगवाता है, मीर साहब जो 30 साल बाद अपने जन्मस्थान पर लौट आए हैं, इसके बारे में बात होती, सब यानी अपना उनको मान मिला, सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली, लेकिन महफिल और वह शायर दोस्त मुंशी दानिशमंद नहीं रहे। 4 महीने वहाँ गुजारे और दुख के साथ वापस लौट गए। लड़का पान लाकर देता है, दूसरी तरफ ककड़ी वाला एक आदमी के पीछे भाग रहा है शेर लिखकर देने के लिए। शायर मौलवी साहब और किताब वाला अपनी अपनी बातों पर वो चर्चा कर रहे, अपनी लिखी दीवान किताब को दिखने के लिए कहते हैं। मौलवी साहब कहते हैं कि आग्रह किस बात का, ना आपके खिदमत में मैं हाजिर हूँ। किताब वाला ग्राहक लैला मजनू नहीं है ऐसे ग्राहक को बोलता है, ग्राहक वापस चला जाता है। मौलवी कहते कि अब जमाना देखे, यहाँ फारसी की किताबें गायब हो रही है, उर्दू में लिखी जा रही है। शायर मौलवी को कहते हैं कि इस बाजारी चीज़ों पर शायरी करवा दीजिए, होली दिवाली पर कुछ तुकबंदी का जमाना आने वाला, यही बाजारी चीज़ें ज़्यादा बिकने वाली हैं और चीज़ें बेचेगी और बिकेगी भी। ककड़ी वाला थक चुका है, धीरे धीरे आवाज लगाते हुए वहां जाता है उसके पीछे, और कुंभार के यहाँ कुछ लोग जमा हुए हैं, वहां से कुछ किन्नौरी की टोली आती है जिसमें करीमन और चमेली भी है। दर्जी रामू को आवाज देता है, तब रामू गांव से बाहर आता है, वह किन्नौरों को हकाने की बात करता है, तब चमेली उसे बहुत कुछ सुनाती है उसकी भाषा में। किन्नर गाते हैं, रामू कहता है कि सीटियां मारना बंद कर दो, गाना है तो कुछ धार्मिक गाने गाओ
और सब किन्नर गाते हैं कृष्ण का बाल वर्णन या बचपन का वर्णन उस गीतों में किन्नरों के माध्यम से किया जाता है। अपने गाने के माध्यम से वो सब गाना सुना रहे हैं। जब दरोगा आता है किताब वाले के दुकान पर दंगा फसाद के बारे में पूछताछ करता है। किताब वाला ककड़ी वाले का नाम लेता है, लेकिन दरोगा सबको एक एक रुपए जुर्माना भरने के लिए कहता है। किताब वाला दरोगा की खिदमत भी करता है। एक आदमी के वजह से सबको जुर्माना भरना पड़ रहा है। इस पर दुकानदार नाराज होते हैं। नवासी एक लड़की है, किन्नौरे ने गाया हुआ गाना वह गाती हुई भोलाराम पंसारी के दुकान पर आती है। आम का अचार मांगती है और नजीर कहाँ है कहते हुए शहर में ये अंधेर हो रहा है, जुल्म हो रहा है, इस जुल्म पर कविता लिखने के लिए कहते हैं। नवासी कहती कि राम साहब के यहाँ बैठे हैं। नवासी आचार लेकर चली जाती है। हमजोली की शायर और मौली साहब के साथ चर्चा हो रही, तभी हमजोली पूछता है कि जो मियाँ नज़ीर है आपके नज़र में उनका क्या स्थान है। मौलवी कहते कि आदमी अच्छा है, खुश मिजाज है, प्रसन्न चित्त है, हर व्यक्ति से हंसकर मिलने वाला है, किसी का दिल दुखाने वाला नहीं है। शायद दुनिया में ऐसा दूसरा शख्स मिल सकता है। और शायरी दूसरी चीज़ है, अश्लील लेखन करता है, बकवास, अश्लीलता, फक्कड़पन है उसके शायरी में। नज़ीर को शायर मानना बहुत बड़ा लांछन होगा। नवासी फिर आकर आचार वापस करती है। वापस क्यों करती है ऐसा पूछने पर वो उस नज़ीर ने लिखा हुआ एक शेर उनको देती है और वो हंसते हुए भाग जाती है। बर्तन वाला और दूसरे दुकानदार उसको पढ़ते हैं और आचार चूहों का, जिस तरह उस शेर में आचार चूहों का वर्णन किया, इस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि कितने दिनों से आचार बिका नहीं तो उसमें चूहे जो घुसने लगे। शेर सुनकर शायर, मौलवी, किताब वाला नज़ीर के काव्य के स्तर पर चर्चा करते हैं। इनका मानना है कि नज़ीर के शेर फकीर भिखारी गाते हैं, इससे इज्जत खराब होती है। अर्थात कविता कवि को बांधने की जो प्रवृत्ति है जो मौलवी और शायर में हमें देखने को मिलती है। और मौलवी कहते कि जिसमें तमाम उम्र पतंगबाजी, आवारागर्दी, जुआ खेलने में गुजारी हो, उसे कहाँ से शर्म आएगी। शायर द्वारा कहना कि उनके बाजार के लड़कों के साथ गाते बजाते देखा है, हर उत्सव मनाते हैं, रंग खेलते, हर रस्म में शामिल होते हैं। किताब वाले के मतानुसार शेर अगर सड़क पर भीख मांगने वाले गाते फिरेंगे तो उस शेर, वो शेर कहाँ से रह गया, यानी वह तो शायरी की दुनिया पर जुल्म जैसा होगा। आगे नाटक में कोठे पर महफिल सजी हुई है, महफिल जमी हुई है, शोदा बंजीर आए हुए, फकीर भी एक कोने में दुबकर बैठा है। शोदा कुछ सुनाने को कहता है, अपनी आप बीती सुनाओ ऐसा कहता है। तब बंजीर नज़ीर का शेर सुनाओ ऐसा कहता है और प्यार में मधोश स्त्री का सौंदर्य वर्णन उस शेर में होता है। वह गाती है, तभी दरोगा आता है, बंजीर इशारों से उसे सलाम करती है। शोदा खुश हो जाता है और मियाँ नज़ीर को मिलने की बात भी करता है। बंजीर कहती कि यहाँ आते हैं लेकिन बहुत दिनों से यहाँ वह आए नहीं, आपने उन्हें देखा है क्या, आपकी मुलाकात हुई है क्या, वो पूछती है। शोदा नहीं कहता है। दरोगा बंजीर को कहता है कि एक तरफ बुलाता है और कहता है कि ये कौन है, भीतर जाने के लिए या भीतर मैं आऊँ क्या, ऐसा बोलता है। वह कल आने के लिए कहती है। दरोगा अभी मिलना चाहता है। दरोगा शोदा से गालियां देता है। शोदा पूरी तरह उसके साथ दो हाथ करने के लिए तैयार होता है। शोदा चला जाने के लिए तैयार होता है, तभी दरोगा नीचे उतर जाता है। शोदा और बंजीर अंदर चले जाते हैं। दरोगा बाजार जाकर ककड़ी वालों को पकड़ लेता है। इतने देर कहाँ था पहुँचता है, जुर्माना भरने के लिए थाने में आना पड़ेगा। ककड़ी वाला परेशान हो जाता है, सोने से पहले ककड़ी नहीं बेची तो खाना भी नहीं मिलेगा, रोजा पकड़ना पड़ेगा। अर्थात ये भूखा है, जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो भूखे रहने की बारी आती है। और शायर किताब वालों को पहली किताब प्रकाशन करने के लिए कितनी कॉपियां छपनी चाहिए ऐसा पूछता है। किताब वाला कहता है 500 कहता है। किताब वाला, छपवाना तो पैसा चाहिए। किताब वाला कहता है कि मेरी नई किताबें वैसी ही पड़ी हुई है, आप चौधरी गंगा प्रसाद से मुलाकात करें और छपवाने का इंतजाम करवा दीजिए। शायर कहता है आप ही उनसे बात कीजिए, क्योंकि बात तो वो इनकार करेंगे तो बात वही की वही धरी रहेंगी, बात छुप भी रहेगी। वो कहते कि मैंने पहले एक दो बार उनसे बात की है लेकिन मेरी मदद नहीं हुई, आपकी उनकी जान पहचान है इसलिए आप ही उनसे बात कीजिए और कुछ अगर मिलता है
रुपया तो मेरी किताबें छपवाने के लिए भी मुझे दीजिए, ऐसा वो कहता है। और शायर कहता है, ठीक है। फकीर गाते हुए आते हैं, उनके गाने में पैसों का वर्णन है। पैसा सब कुछ है, अमीर के दिल का ख्याल, फकीर का सवाल, पैसा ही फौज, वैसा ही सत्ता प्रताप, पैसा ही हंगामा, धूमधाम रंग रूप माल, जोर शोर ठाट, सब भी सभी कुछ पैसा है। ककड़ी वाला पीछे खड़े होकर गौर से सुनता है और पुकारता है, शाह साहेब, ऐसा कहकर पुकारता है। उसे लगता है मेरे ककड़ी पर तो शायरी नहीं कर रहे कोई, तो उसको आवाज़ देने लगता है और फकीर सामने ही चला जाता है सुनकर अनसुना करते हुए। ठीक है, यहाँ पर नाटक का पहला अंक समाप्त हो जाता है। हम इस नाटक का दूसरा अंक दूसरे वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैंने इस नाटक पर दो वीडियो करने का सोचा है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।